हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। तो आज मैं एक रीजनिंग का क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है रीजनिंग का क्वेश्चन कि किटी रमन की पत्नी है। ठीक है दोस्तों, किटी कौन है? रमन की पत्नी है। ठीक है, मान लेते हैं ये के है। ठीक है, किटी है और ये रमन है। इन दोनों के बीच पति पत्नी का संबंध है तो ऐसे डबल लाइन लगा के एरो लगाते हैं। और किट्टी पत्नी है तो किट्टी के ऊपर नेगेटिव साइन। क्यों? फीमेल के लिए नेगेटिव लगाते हैं और मेल के लिए प्लस लगाते हैं। तो यहाँ पे रमन कितना हो जाए, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देव किट्टी का इकलौता भाई, जो देव है ये किट्टी का भाई है, उसके लिए सिंगल लाइन लगाते हैं और साथ में एरो लगाते हैं। वो उसका भाई है जो देव है, डी से देव, इसको प्लस ले लीजिए क्योंकि इसका एक भाई है। ठीक है, मतलब मेल है, मेल के लिए प्लस ऊपर लिख देंगे। उसके बाद क्या हो रहा है, यदि डॉली किट्टी की बेटी है, डॉली जो है किट्टी के क्या है दोस्तों, बेटी है। ठीक है, जो डॉली है तो हम इसको डॉली पूरा लिख ले रहे हैं, डी ओ डबल एल वाई। ठीक है, डॉली उसकी क्या है, बेटी है, तो नेगेटिव साइन लगा देते हैं। तो देव डॉली से कैसे संबंधित, देव जो है वो डॉली से कैसे संबंधित है यही पूछा है। तो ध्यान दीजिए, देव मतलब इसके इसके मम्मी के भाई हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मामा का संबंध हो जाएगा। ऐसा करता हूँ दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब देव और डाली का क्या संबंध हो जाएगा, मामा का संबंध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद।